हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीजान ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप काइन मास्टर में अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उसे क्रॉप कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं, और अपनी वीडियो में कैसे साउंड लगा सकते हैं और पहले वाले साउंड को कैसे म्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अलीजान ऑफिशियल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना ये कि हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन को सिंपली ओपन करना है। जैसे आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली सेंटर में प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको अब एस्पेक्ट रेशियो प्रोजेक्ट के लिए एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करनी है। अगर आप टिकटॉक की वगैरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली 9:16 पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यूट्यूब वगैरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 16:9 पे क्लिक करेंगे। मैं यूट्यूब वगैरह की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं 16:9 पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको करना यह है कि अब आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी है एडिटिंग के लिए। आपको मीडिया में जाना होगा। मीडिया में जाने के बाद अब आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली वीडियो का स्टार्ट में आ जाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको करना ये है कि आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपनी इसमें पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली मीडिया पे क्लिक करके अपनी पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि आप कैसे पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कोई भी एक फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली फ़ोटो पे प्रेस करना है। अगर आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है एंड देन क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वीडियो को क्रॉप कर देना है एंड देन ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो क्रॉप हो चुकी है। अब आप अपनी वीडियो का साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप साइज़ भी जैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसे ब्लर भी कर सकते हैं। आपको सिंपली अल्फ़ा पे क्लिक करना है एंड देन इसे थोड़ा डिक्रीज़ कर देना है। तो देख सकते हैं कि इसमें फेड हो चुकी है, थोड़ी ब्लर हो चुकी है। और अगर आप अपनी तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में फ्रंट में ही मेरी पिक्चर लग गई है। आपको सिंपली से प्ले करना है और अब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की ड्यूरेशन ही बहुत छोटी रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो ओवरऑल वीडियो के साथ साथ ही चले तो आपको सिंपली फ़ोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आपको ड्रैग करना शुरू कर देना है। आपको वहाँ तक ड्रैग करना है जहाँ तक आप अपनी पिक्चर को वीडियो में लगाना चाहते हैं एंड देन बैक कर देना है। तो अब अगर आप अब प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो के साथ साथ आपकी पिक्चर भी साथ ही चलेगी। सो फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन में अगर आप लेयर पे क्लिक करेंगे, एक लेयर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है इफ़ेक्ट का। इफ़ेक्ट का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी वीडियो में ब्लर करना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली ब्लर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ब्लर कर सकते हैं। आपको सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा एंड देन गॉशियन ब्लर पर। तो एंड देन गॉशियन ब्लर पर क्लिक करने के बाद आपको बैक कर देना है एंड देन एरिया सेलेक्ट करना है जो एरिया आप ब्लर करना चाहते हैं। तो मैं डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को ब्लर करना चाहता हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एंड देन इसे सेटिंग में आकर इसे थोड़ा ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड देन बैक कर देना। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो लिखा हुआ था डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो अब ब्लर हो चुके हैं एंड देन थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद थर्ड ऑप्शन ओवरले का है। ओवरले में आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे कि कौन सा आप स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हैं। आप अगर आप अपनी वीडियो में कोई स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर से स्टिकर लगा सकते हैं। आपको सिंपली क्लासिक स्टिकर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनमें से कोई भी एक स्टिकर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला स्टिकर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली बैक कर देना है एंड देन आप इसका साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी इन एंड आउट एनिमेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन एंड आउट एनिमेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर आप फेड पे करेंगे तो ऐसे आएगी आपकी एंड देन पॉप। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे लग रही है। Try.
तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस में काफ़ी ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं कहीं, तो आप सिंपली लेयर पे क्लिक करके फोटो वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन आपको टेक्स्ट टेक्स्ट राइट करना है। एंड देन ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास टेक्स्ट आ चुका है। अगर आप इसका फॉन्ट कलर और वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वैसे कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको डबल ए, ए बड़ा ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन बैक करके देख सकते हैं कि आपका फॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो जैसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। देन बैक करके सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि फॉन्ट भी क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इसमें फॉन्ट में ग्लो वगैरह शेडो वगैरह इसे कम करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली कर सकते हैं। अगर आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसमें शेडो आ जाएगी, और देन ग्लो पे क्लिक करेंगे तो ग्लो भी हो जाएगी एंड आउटलाइन भी आ जाएगी इसकी। आउटलाइन बैकग्राउंड वगैरह भी आप कलर वगैरह क्रिएट करके चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसके बाद ऑप्शन है हाईलाइट का। अगर आप कोई वीडियो में कोई हिस्सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली हाईलाइट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप अपनी वीडियो में कोई हिस्सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इधर से सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। आपको सिंपली राइट पेंसिल वाले आइकन राइट हैंड राइटिंग पर क्लिक करना है एंड देन एरिया सेलेक्ट करना जहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मैं ये वाला एरिया हाईलाइट करना चाहता हूँ, रियल म्यूजिक रिथम। आपको सिंपली हैंड राइटिंग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऐसे ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर में ये एरिया अब हाईलाइट हो चुका है। एंड देन बैक कर सकते हैं। अब आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपका एरिया कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अब आ गए ऑप्शन वॉइस का। और अगर आप अपनी वीडियो में अपनी वॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली वॉइस पे क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट कर देना। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपकी वीडियो भी प्ले हो जाएगी और आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद अगर आप अपनी वीडियोज़ में अपनी वीडियो का ओरिजिनल साउंड म्यूट करना चाहते हैं और कोई वॉइस से साउंड वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे लगा सकते हैं। म्यूट कर आपको वीडियो का ओरिजिनल साउंड म्यूट करने के लिए वीडियो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आपको सीजर यानी कैंची मिल जाएगी एंड देन वीडियो रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप वीडियो की वॉइस वगैरह म्यूट वगैरह कर सकते हैं। तो मैं वॉइस म्यूट करने जा रहा हूँ तो आपको सिंपली कॉल पर क्लिक करना है एंड देन वॉइस को जीरो पर कर देना एंड बैक कर देना। तो अब आप प्ले करके देख सकते हैं कि वीडियो की साउंड टोटली म्यूट हो चुका है। और अगर आप अपनी वीडियोस में कोई और साउंड क्रिएट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो का स्टार्ट में एंड देन ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। आप इधर से आप कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके बैक कर सकते हैं। अब आप प्ले करके देखें देख सकते हैं कि ये वॉइस चेंज हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स अगर आप अपने वीडियोस में एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हैं यानी अपने आपकी वीडियो में कोई ऐसी एनिमेशन लगे जो आपकी वीडियोस की खूबसूरती में इजाफा करते हैं तो आपको सिंपली वीडियो पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली क्लिप ग्राफिक पे क्लिक कर देना है एंड देन कोई भी एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये पावरफुल एंड देन फर्स्ट वाली क्लिक करके बैक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी अब वीडियो में एनिमेशन आ गया है। ये स्टार्ट जो डाउनवर्ड्स में फॉल हो रहे हैं आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो काफ़ी हद तक एडिट हो चुकी है। और अगर आप अपनी वीडियोस में मोर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आप इधर से देख सकते हैं कि आप अपनी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिवर्स पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वीडियो को रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी हो सकती है। अगर आप अपनी वीडियोज़ को वॉइस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। आपको बैक कर देना है। फ्रेंड्स अगर आप अपनी वीडियोस को कहीं से कट करना चाहते हैं, कहीं से ट्रिम करना चाहते हैं और अपनी वीडियोस में कोई ऑडियो वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं या कोई पिक्चर या वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस रेड वाली लाइंस को कट वाले एरिया पे क्लिक करना है
कट वाले एरिया पे क्लिक करना है एंड देन फर्स्ट में आएगी आपके पास सीजर यानी कैंची, कैंची पे क्लिक करना है। अगर आप अपने लेफ्ट साइड वाले एरिया को ट्रिम करना चाहते हैं तो आप सिंपली फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप राइट साइड वाले एरिया ट्रिम करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और अगर आप इधर से सेंटर से आप इसे ट्रिम करना चाहते हैं तो आप इसे स्प्लिट एड प्ले हेड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्प्लिट एड प्ले हेड पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो दो हिस्सों में बट जाएगी। और सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वीडियो को स्लो या फास्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सेकंड में आ जाएगा स्पीड, स्पीड पे क्लिक करना है। और अगर आप अपनी वीडियो को फास्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऐसे कर देना है, और अगर आप इसे स्लो करना चाहते हैं तो ऐसे स्लो भी कर सकते हैं एंड देन बैक कर देना है। तो अगर आप प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो स्लो मोशन में प्ले करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी हद तक एडिट हो चुकी है। अगर आपसे गलती से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप इसे सिंपली बैक भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये वॉइस वीडियो को इंक्रीज़ किया, सपोज़ ये अगर आप इसे नहीं इंक्रीज़ करना चाहते अगर आपसे वीडियो में अनजाने में मिस्टेक हो चुकी है तो आप इसे अंडो भी कर सकते हैं। अंडो करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, देन अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो ओरिजिनल स्पीड पर आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वीडियो में कोई हिस्सा कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली कैप्चर भी कर सकते हैं। कैप्चर करने के लिए आपको सिंपली इस लेफ्ट साइड में टॉप से फोर्थ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन सेव कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी और सेव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल थिंग यह है कि जब भी आपकी वीडियो क्रिएट हो चुकी हो तो आपको करना यह है कि आपको सिंपली इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन ऑडियो में आके ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद आना है ऑडियो फेड आउट एंड टू प्रोजेक्ट, डबल टैप कर देना है एंड देन वीडियो में आ जाना है एंड देन डबल टैप कर देना है। सो फ्रेंड्स, बैक करके आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो एंड से फेड हो चुकी है। फेड होने का मतलब यह है कि जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म होने लगेगी उससे 2-3 सेकंड पहले ही आपकी वीडियो थोड़ी मदम हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे फेड होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वीडियो को सेव एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली वीडियो के स्टार्ट में आना, स्टार्ट में आने के बाद आपको सिंपली शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको इधर से वीडियो की रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है। वीडियो की रेजोल्यूशन डिपेंड करती है कि आपका मोबाइल कितनी रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, और सपोर्ट इसके बाद आपको सिंपली फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है। फ्रेम रेट आपको 30 रहने देना है एंड देन एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो एक्सपोर्टिंग एंड सेविंग होना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो सेव एंड एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आपको करना यह है कि आपको इसे ओपन करना है। वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं कि आपने जो पिक्चर वगैरह इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं वो लगे भी है कि नहीं, आपको प्ले करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जो भी इफेक्ट्स और ट्रांजेक्शन वगैरह लगाई है, अपनी पिक्चर लगाई है, वो मेरी वीडियो में आ चुकी है। जब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट एंड सेव होगी तो जब आप इससे प्ले करेंगे तो आपको इधर काइन मास्टर का एक वाटर मार्क आ जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो में काइन मास्टर का वाटर मार्क नहीं है क्योंकि मैंने काइन मास्टर का फ्री वर्जन डाउनलोड कर रखा है। अगर आप फ्री वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर भी आप इसे वीडियोज़ में मेरी चैनल में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और फ्री वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अली जान ऑफिशियल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।